हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? आवाज ठीक से आ रहा है? आवाज ठीक से आ रहा है क्या? कोई यार बताओ। कोई भाई बताओ। आवाज आ रहा है? तो आप देख रहे हो डॉगीज लाइफ, ये बात और नहीं बोलेंगे। आप लोग कैसे हो जी। तो एक्चुअली देखो, लाइव आने का मेन कारण है कि भाई आप देख रहे हो कि भाई बहुत सारा कंट्रोवर्सी चल रहा है, और जो मेन सर बातें हैं, हम लोग जो सर काम करते हैं, काम करने का तरीका ये है, बिना प्रूफ के कोई भी वीडियो बोलिए, कुछ भी बोलिए, मैं ऐसे मतलब नहीं करता हूँ, और ना बिना प्रूफ के कोई बात मैं आप लोगों से करता हूँ। जो भी मुद्दा है, जो भी मैटर है, सारे के सारे विद प्रूफ आपके सामने लाता हूँ। और क्या आपका इंसिडेंट हो रहा है क्या नहीं, ये सारे के सारे बात आपका सामने मैं रखता हूँ। देखो, ये अगर आप लोगों को किसी को तकलीफ है तो मैं आई एम सॉरी, ये तकलीफ आपको उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो सच है मैं सबके सामने लाऊंगा और मतलब लाता रहूंगा। ये नहीं कि भाई एक दिन लाया के आज नहीं लाएंगे, ऐसा भाई बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए। और देखो, आप दो दिन पहले ये देखे हो कि मैंने एक लड़का जो आपका महेश, उसका वीडियो हमने लाया। तो देखो, महेश जो लड़का है बहुत क्या बोलो, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, एंड वो ब्रीडिंग करता है, दिल से ब्रीडिंग करता है। एंड जो आदमी भाई दिल से ब्रीड करता है, और जो आदमी का कोई मतलब क्यों मतलब कोई क्या बोलो आपको कोई गलती नहीं है, ये आदमियों को अगर कोई लूट लेगा तो ये मैटर में डॉगी स्लाइफ बिल्कुल चुप नहीं बैठेगा। ये आप सुन लो, क्योंकि देखो ऐसा मतलब चुप रहना मेरा क्या बोलो नेचर नहीं है। जो भी देखो, जो गलत हो रहा है, गलत के खिलाफ हमेशा मैं बोलता था पहले, और आज भी बोल रहा हूँ और आगे भी बोलूँगा। और मेन जो देखो बातें हैं ना, तो ये मैटर में सभी तो देखो अपना फ़ायदा देख रहा है, ठीक है। तो देखो, मेरे को कुछ फ़ायदा लेने का है ना देने का है। तो मुद्दा मेरे को एक ही मुद्दा है, ये जो लड़का है आपका क्या नाम है महेश, उसको पैसा दिलवाना है, और बस, और कुछ मेरा इरादा नहीं है। मेरा बस यही इरादा है वो महेश को पैसा दिलवाना। और देखो, ये मैटर में अभी स्कूबर जो कार्तिक है घुस रहा है। चलो, आप अगर घुस रहे हो सर, वेलकम है आपको कार्तिक जी। स्कूबर, आप अगर ये मैटर में घुस रहे हो, आपको वेलकम करता हूँ। आप घुसो, आप आराम से घुसो, लेकिन ये लड़के का पैसा दिलाओ, बस और कुछ नहीं चाहते, और कुछ नहीं चाहते। और मैं और एक मेरा दोस्त को, दोस्त नहीं मेरा भाई है, उसको बोलना चाहता हूँ कि भाई क्षितिज, आप अपना चैनल के ऊपर ध्यान दो, मेरे मैटर में आप ज़्यादा दखलंदाजी मत करो, यही आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि देखो, मैं किसी का आपका मैटर में मैं नहीं जाता। आप जबरदस्ती करके चौधरी
अगर बनना चाहते हो तो बनो, और अगला जो वीडियो आएगा उसमें आप चौधरी बनो और स्कूबर से पैसा रिकवरी करके दो, और बहुत जल्द आप लोग के सामने आएगा केवल किशन का वीडियो। उसमें आप देखोगे जो आपका लोकेश है, लोकेश का मैटर आएगा, और मैं स्कूबर से विनती करता हूँ ये मैटर में भी आप चौधरी बनो एंड उसका मुद्दा सॉल्व करो, उसका जो पैसा नुकसान हुआ है वो पैसा भरपाई करो, ठीक है। सबका ठेका लेके अब बैठ गए, आराम से अब ठेका लो, उसमें मेरे को कुछ परेशानी नहीं है, आराम से आप ठेका लो, सबका ठेका लो, और जो मेन मुद्दा है कि बंदे को जो नुकसान हुआ है वो मिलना चाहिए, वो अगर मिल जाता है आपके थ्रू चाहे किसी और के थ्रू, मेरे को कुछ तकलीफ नहीं है, ना कुछ परेशानी है, ठीक है। आप इत्मीनान से रहिए, मैं आपको अगर ये काम आप अगर करोगे मैं बिल्कुल आपको हेल्प करूँगा। और जो आपका और एक बात है, जो आपका राकेश मलिक का केस हुआ है ना, आप तो प्रदीप वर्मा का मैटर लेके एकदम मुंह फाड़ के चला है, ठीक है। आप सीबीआई हो गए, आप मतलब क्या बोलूँ आपको, आप बहुत मतलब वहाँ पे चुदम खड़ी कर दिए, चलो बात नहीं है तो आप किए हो, क्योंकि वो आपका आदत है, और जो आदत है तो असली चीज़ जो आप करो, जो राकेश मलिक का ये है वो मैटर सॉल्व करो, जो राजा का बेटा बोल के बेचा है ना राकेश मलिक कस्टमर को फ्रॉड मतलब कस्टमर के साथ फ्रॉड किया है और तू ये सपोर्ट कर रहा है ना, तो राजा जो बड़ा राजा का बच्चा बोल के बेचा है, बड़ा राजा कहाँ से लाएगा, कहाँ से पैदा करेगा, ऊपर से लेके आएगा, वो तो मर गया है भाई, कहाँ से पैदा करेगा, बड़ा राजा को दिखाने बोल, ठीक है। तू इतना चौधरी बन रहा है ना, तू इतना भाई बड़ा चौधरी बन रहा है तो बड़ा राजा जो है उसको दिखाने बोल, राकेश मलिक को वो बड़ा राजा दिखाने के लिए बोलो, वो अगर दिखा पाएगा तो मान लेंगे। और आप ये जो मैटर जो कोर्ट का मैटर है जहाँ पे आपका सिविल कोर्ट में एक केस चल रहा है, जो सिविल कोर्ट में ये आपका सॉरी सेशन कोर्ट में इसका मसला चल रहा है आपका प्रदीप वर्मा का, तो वो मैटर में आप कूद पड़ रहे हो, ठीक है। पढ़ो, कोई बात नहीं है, पढ़ो, कोई मेरे को परेशानी नहीं है, ठीक है। और जो मैटर आपका लीगल प्रोसेस हो गया है वो मैटर में आपका कोर्ट का फैसला आने से पहले ही आप किसी और को जजमेंट सुना दे रहे हो ना, आपका ये जो वीडियो है वो मतलब डाउनलोड होके जहाँ पहुँचना था पहुँच गया है, ठीक है। आराम से बैठे रहो, क्या क्या होता है आप देख लेना, और चौधरी बनने का इतना आपको अगर मतलब क्या बोलूँ ये है मतलब आपका कीड़ा है ना, और चौधरी बनने का कीड़ा आप जो टेरी ऑफ लिटिल गॉडफादर है उसका पेपर दिलाओ, उसका पेपर दिला, ठीक है। और बांग्लादेश में कैसे भेजा है ना तेरा आका ने बांग्लादेश में कैसे भेजा कुत्ते को, वो दिखला दे, ठीक है। तुम मतलब से जो फ्रॉड लोग है उसके सामने गिर गिराओगे, हिकमिनाओगे, ठीक है। और जो सच्चा बात है वो सुनने के लिए तुम लोग को बहुत तकलीफ होता है, हाँ। तो तुम्हारा आका बांग्लादेश में कैसे भेजा है वो डिटेल वीडियो बना दो, बात करते हो तुम लोग का दो कोरी का भाई क्या बोलूं, सच सच करके ये करते हो। अरे तुम लोग जिसके मतलब तलवे चाटते हो, जो मतलब क्या बोलूं आपको, मुंह से बोलना नहीं आ रहा है, ठीक है। ये लोग का जो कारनामा है उसके बारे में आप लोग क्या किए हो,
आज तक क्या किए हैं आप लोग, वो भी तो एक ब्रीडर है, ठीक है, वो भी तो एक ब्रीडर है, वो क्या कारनामा किए हैं आपको अच्छे तरह से मालूम है, और उसका बच्चा बेच रहे हो, उसका तरफदारी कर रहे हो, ये आपको शोभा दे रहा है, बहुत शोभा दे रहा है। जो आदमी केसीआई के साथ घोटाला कर रहा है, हर चीज में घोटाला कर रहा है, वो आप कर रहे हो। चलो, कोई आपको मतलब आपको शाबाशी दे रहा है ना, ये लोग आप लोग को आपको शाबाशी दे रहा है, आपको बस नोट मिलना चाहिए, नोट जेब में आ गया उसका मुंह में आप सील हो जाते हैं, आपका मुंह वहाँ पे आपको मतलब गलती दिखाई नहीं पड़ता है, आपको गलती आपको दिखाई नहीं देता है ये लोग का गलती। और जो सच है उसका मतलब क्या बोलो, उसका आवाज़ दबाने के लिए आप लोग मैदान में कूद पड़ते हो। और मैं स्कूबर्स का जो चमचा है ना, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। ए भाई क्षितिज, मेरे को स्कूबर्स के मामले में, स्कूबर्स के मामले में कभी भी भूल करके भी और फ़ोन ना करियो, ऐसे आपके साथ मेरा जान है पहचान है, आप ऐसे फ़ोन करिए, हम एक हज़ार बार 1000 बार 2000 टाइम्स मैं आपका फ़ोन रिसीव करेंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे, रात मतलब घंटे पे घंटा हम बातचीत करेंगे, लेकिन ये कार्तिक का मामला में कोई आपके साथ मैं बातचीत नहीं करूँगा, ये आप एकदम दिमाग में घुस लो। और जो ये डिम्पी है, डिम्पी भाई देखो, तुमसे कुछ परेशानी नहीं है मेरे को, तुम अपना कमेंट जो कर रहे हो ना, तुम अपना जो कमेंट कर रहे हो अपना आईडी से संभाल जाओ, ठीक है, उंगली ज़्यादा मत करो, ठीक है, तुमको जब उंगली करेंगे ना बाबू, तुम बैठ नहीं पाओगे। और एक है डॉक्टर साहब गगन, अमृतसर के डॉक्टर हो सर, अच्छा बात है, मैं आपको फ़ोन नहीं किए, ठीक है, आप अपना फ़ोन करके कर रहे हो, हमको फ़ोन करके ये बात बोल रहे हो कि स्कूबर मेरा वीडियो नहीं कर रहा है। अरे भाई, स्कूबर का तलवे चटने वाला आदमी हो तुम, ठीक है, तो मेरे को फ़ोन करने का क्या ज़रूरत है, कुछ ज़रूरत है? हाँ, इतना आप डॉक्टर हो, मैं डॉक्टरों को बहुत इज्जत करता हूँ, और ये आपका कारनामा है, अब मैं आपको कोई भी आपको फ़ोन किए, हम आपको फ़ोन नहीं किए ना, तो मेरे को आप फ़ोन क्यों किए? हाँ, स्कूबर का बेटा ये हो रहा है, वो हो रहा है, घंटा लहसुन, हाँ, आपका कोई काम धाम नहीं है, डिस्पेंसरी नहीं चल रहा है आपका, और आप ब्रीडर बन के फिर रहे हो। चलो, अच्छा बात है, ब्रीडर बनो ना बनो मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आप मेरे से बात ना करो ना, आपको कुछ मेरे से लेना है ना कुछ देना है, मेरे से बात ना करो स्कूबर के मैटर में, ऐसे बात करिए कोई बात नहीं है, 1000 टाइम आपका फोन पिकअप करेंगे। और भाइयों, आप लोग देख ही पाते हो क्या सच है क्या नहीं है, क्योंकि भाई सब घास फूस नहीं खाता है, घास फूस नहीं खाता है। और अभी भी टाइम मतलब ये है कि भाई अगर चौधरी बनना है स्कूबर, आपको अगर चौधरी बनना है, चौधरी बन के रहो, ये मैटर सॉल्व कर दो, ठीक है, तू चौधरी बनना है ना, तू चौधरी बन, कोई तकलीफ नहीं है, ये मोहेश का जो मैटर है, मोहेश का मैटर है, और क्या बोलूँ आपका राजीव चौधरी से पैसा वापस करा दो। चलो, और कोई लेना है ना कुछ देना है, अब मुद्दा सॉल्व कर दो। अब चौधरी बनने को बहुत तरस रहे थे, बहुत उछल रहे थे, और उछलो कोई बात नहीं है, लेकिन ये मुद्दा जो है, बस गरीब आदमी को पैसा मिलना चाहिए और नथिंग एल्स, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, आप चौधरी बनो। और मैं ये बोल रहा हूँ,
मैं वीडियो डिलीट करूं चाहे ना करूं, ये लोग ये इसमें आपका कुछ लेना है ना देना है, ठीक है। और जो मेरे को कॉल फ़ोन करके बोला था वीडियो आप डिलीट करोगे कि नहीं, मैं ये जवाब आपको देने वाला नहीं हूँ, ठीक है। एकदम दिमाग में लॉक कर लो, मैं किसी को जवाब देने वाला नहीं हूँ और मैं वीडियो करता हूँ पब्लिक का अवेयरनेस के लिए, ठीक है। तुम्हारा जैसा कुत्तों के आगे मैं दून नहीं हिलाता, ठीक है। तो अवेयरनेस के लिए मैं जब वीडियो करता हूँ पब्लिक का हेल्प होता है, पब्लिक को समझ में आता है कि एक कौन सा क्या है, ठीक है। और मैं वीडियो डिलीट करूँ या ना करूँ वो मेरा मर्जी है, ठीक है। लेकिन मैं वीडियो अगर डिलीट कर देंगे तो मैं तो भाई गलत के आगे सर झुका लेंगे ना भाई। हाँ अब लोग बोलो, मैं वीडियो डिलीट नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन आदमी को पैसा मिलना चाहिए, नहीं तो फर्दर और क्या करना है वो नेक्स्ट स्टेप आप लोग जान पाइएगा। और डॉगी स्लाइप में अभी गिव अवे चल रहा है, एक कंटिन्यू एक से डेढ़ महीना तक का प्रोसेस है। हम लोग का एक तो टारगेट है, वो आपका टारगेट जब फुलफिल हो जाएगा, ऐसे आपका सब्सक्राइबर का भी टारगेट है और भी आपका व्यूअर्स का भी एक व्यूज का भी एक टारगेट है। दोनों जब मैच हो जाएगा तब आपका जो रिजल्ट है आपके सामने ला देंगे। और आप लोग का दुआ से, आप लोग का क्या बोलो सहायता से अभी डॉगीज लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है। और आप लोग ऐसे ही करके शेयर करते रहो और क्या बोलूँ आपको, सब्सक्राइब करो जो अभी तक नहीं जुड़े हो डॉगीज लाइफ के साथ, डॉगीज लाइफ के साथ अभी जुड़ जाइए, क्योंकि डॉगीज लाइफ में हमेशा सच बात आप देख पाओगे। और डॉगीज लाइफ में ये वीक में बहुत कुछ धमाका होने वाला है और बहुत जल्द आपका केवल किशन का वीडियो आने वाला है, वो बहुत एक मज़ेदार वीडियो होगा। वो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करो और वीडियो देखो ये आदमी कैसा है। और स्कूबर को मैं ये बोलना चाहता हूँ, भाई आप औरत को इज्जत दो, क्योंकि औरत जो भी हो है भाई मेरा नहीं सबका एक मतलब ऊँची दर्जा दिया गया है आपका हिंदुस्तान में, इज्जत दीजिए, ठीक है। आप लोग आपका जो बातें है वो कुछ बातें मेरे को बहुत ठेस पहुँचा, इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ और कुछ नहीं। और जुड़ा रहिएगा डॉगीज लाइफ के साथ और मिलता है कोई नेक्स्ट और एक लाइव के साथ। और ऐसे तो वीडियो अभी कंटिन्यू प्रोसेस में आने वाला है और कभी भी डॉगीज लाइव में आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ भी नया मुद्दा चाहिए तो कमेंट करके बोलिए, नहीं तो मेल करिए। मेरा मेल आईडी दिया हुआ है और मेरा बहुत सारा सब्सक्राइबर मेरा नंबर भी जानते हैं। अगर किसी को नंबर पूछने का है पूछ लीजिएगा, मैं नंबर सबको देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। जुड़ा रहिएगा डॉगीज लाइफ के साथ, ये डॉगीज लाइफ फैमिली आपका भी फैमिली है।